Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Sana Mehrotra. If you are seeing this face for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. So guys, आज का जो video है ना वो बहुत ही ज्यादा helpful होने वाला है आप लोगों के लिए. वो इसलिए क्योंकि आज के video में हम बात करने वाले हैं कि summers में generally लोगों को जो pimples हो जाते हैं, acne हो जाते हैं, वो किन reason की वजह से होते हैं और क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं जिससे हम ऐसे situation को avoid कर सके कि हमें acne और pimples ना हो. और अगर आपको acne हो गए हैं या फिर pimples हो गए हैं तो फिर हमें ऐसे कौन कौन से steps को follow करना चाहिए कि आपके acne और पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है ना वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए. सो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो. तो जो पहला पॉइंट है ना उसमें हम बात करेंगे कि समर सीजन में इतने ज्यादा एक्ने और पिंपल्स क्यों हो जाते हैं हमें. सो बेसिकली क्या है ना, समर में जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है जिसके वजह से स्वेटिंग बहुत ही ज्यादा होती है हम लोगों को. तो आप देख सकते हो कि मैंने अब भी जस्ट शूट करना स्टार्ट ही किया है एंड यू कैन क्लियरली सी कि मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है इतने सारे लाइट्स के वजह से. सो यस, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है. बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत जल्दी आपका स्वेट जो है ना वो सूखता नहीं है गर्मियों में कंपैरेटिवली विंटर सीजन में. विंटर सीजन में अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, कुछ आप बहुत ज्यादा ऐसा काम कर रहे हो जिसके वजह से आपकी बॉडी हीट होने लगती है और आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है तो आप उस समय नोटिस करोगे कि ह्यूमिडिटी कम होती है एटमॉस्फेयर में तो आपका स्वेट जो होता है वो बहुत जल्दी सूख जाता है. और समर सीजन में स्वेट सूखता नहीं है विच मीन्स कि वो इवेपोरेट जल्दी नहीं होता है और वो बहुत देर तक आपके फेस पे आपके बॉडी पे रह जाता है जिसके वजह से आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बैक एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, नेक वगैरह पे एक्ने हो जाते हैं आपको, आपको व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, इन सारी चीजों की प्रॉब्लम होने लग जाती है. सेकेंड पॉइंट जो है ना गाइस, इस समय इतना ज्यादा मॉइस्चर होता है इन्वायरमेंट में जिसके वजह से भी ना आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है. तो मॉइस्चर जो होता है ना वो एनवायरमेंट में होना इम्पॉर्टेंट है बट बहुत ज्यादा जब मॉइस्चर हो जाता है तो उसके रिजल्ट से एक्ने और पिंपल्स तो हो ही जाते हैं. नाउ गाइस द पॉइंट इज कि ये सारी चीजें जो है ना वो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ये सारी चीजें नेचुरली होना होता ही है. तो फिर बात ये आती है कि हम इन सिचुएशन को कैसे अवॉइड करें, कैसे हम क्या चीजें करें कि हम कंट्रोल कर सके कि हमें एक्ने या फिर पिंपल्स वगैरह ना हो. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लींस योर फेस थरली. आपको फेस वॉश करना मस्ट है. फेस वॉश हम यूजुअली करते ही करते हैं दिन में दो बार. जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ फॉलो द मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन एज वेल एज नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. हमेशा अपने फेस को मॉर्निंग में और रात के टाइम में फेस वॉश करके एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, सनस्क्रीन अप्लाई करो. बट गर्मियों में क्या होता है ना गाइस, इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है फिर डर्ट वगैरह आपके फेस पे चिपकते रहते हैं. तो आई वुड से कि बीच बीच में भी ना फेस वॉश कर लेना चाहिए. एटलीस्ट 3 बार फेस वॉश कर लो या फिर 4 बार फेस वॉश कर लो. बट पॉइंट ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा फेस वॉश करोगे, जब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो वो भी नहीं सही है. तो आई वुड एडवाइज यू गाइस कि आप एक बार दिन में एक बार रात में किसी भी फेस वॉश से या फिर किसी भी क्लेंजर से अपने फेस को वॉश करो. उसके बाद आपको क्या करना है कि बीच में कभी कभी जैसे आपको बहुत गर्मी हो रही है, स्वेटिंग फील हो रही है अपने फेस पे, तो आपको क्या करना है कि आपको बस पानी लेकर के और अपने फेस पे से स्प्लैश कर लो सो दैट आपका जो फेस है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाए, आपके फेस पे जो स्वेटिंग वगैरह है वो हट जाए. सो पहला पॉइंट क्या है कि आपके फेस को आपको थरली फेस वॉश करना है दिन में एटलीस्ट 2 बार, 2 बार क्लेंजर से और 1 बार एटलीस्ट पानी से अपने फेस को वॉश करो टू अवॉइड एनी एक्ने या फिर और भी जो भी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रही हैं स्वेटिंग के वजह से लाइक ओपन पोर्स एंड ब्लैक हेड्स वगैरह. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट विच इज यू हैव टू सिलेक्ट द स्किन केयर प्रोडक्ट वेरी वाइजली. आपको ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं ऑप्ट करने हैं जो कि आपके पोर्स को क्लॉग कर दे या फिर ऐसे प्रोडक्ट जो जिनके एप्लीकेशन के बाद आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग जाती है और आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है. ऐसे प्रोडक्ट को आपको अवॉइड करना है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, आपके पोर्स को वो क्लॉग कर देंगे तो आपको डेफिनेटली एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी. सो गाइस आई हैव फ्यू प्रोडक्ट रिकमेंडेशन फॉर यू गाइस जो कि इस सीजन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं.
सो द फर्स्ट प्रोडक्ट हेयर आई हैव विद मी इज सैनफे ग्लो क्ले मास्टिक विच कंट्रोल्स एक्सेसिव ऑयल एंड एक्ने ब्रेकआउट्स. सो इस प्रोडक्ट में आपको ग्रीन टी मिल जाएगा प्लस इसमें आपको हाइलोरोनिक एसिड मिल रहा है. ग्रीन टी क्या करता है, आपके एक्ने को और पिंपल्स को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. और हाइलोरोनिक एसिड जो है ना वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजेशन आपके स्किन को प्रोवाइड करता है जिससे आपकी स्किन जो है बहुत ही ज्यादा प्लम्प लगती है और हेल्दी हो जाती है. सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक गाइस. सो इट इज अ स्टिक मास्क, इसको आपको ओपन करना है एंड यहाँ पे आप देखोगे ना इस तरीके से एक प्रोटेक्टिंग शील्ड यहाँ पे लगी है. यू हैव टू ओपन दिस कैप और यहाँ पे इस तरीके से आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा. तो ये थोड़ा सा ड्राई प्रोडक्ट है, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन मैंने इसको जब अप्लाई किया अपने फेस पे, बेयर फेस पे, पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था इसका एप्लीकेशन करने में. बट मैंने जब इसको पानी फेस पे लगा करके फिर अप्लाई किया ना तो बहुत ही इजिली आपके फेस पे ग्लाइड हो जाएगा और अच्छे से एप्लीकेशन हो जाएगा. सो मैंने इसको अप्लाई किया एंड अप्लाई करने के बाद मैंने इसको 15 मिनट्स अपने फेस पे रखा और उसके बाद जब मैंने फेस वॉश किया ना गाइस तो बहुत ही क्लीन स्किन लग रही थी, बहुत ही हेल्दी स्किन लग रही थी. मेरे फेस पे एक्सेस ऑयल को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया. आई हैव बीन यूजिंग दिस ट्वाइस और थ्राइस मैंने इसको यूज करके देखा हुआ है एंड एक्चुअली आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट. और ये आपके एक्ने वगैरह पे डेफिनेटली वर्क करता है. मैंने जब इसको स्टार्ट किया था यूज करना मुझे यहाँ पे पिंपल्स थे और इसने बहुत ज्यादा हेल्प किया है उसको कंट्रोल करने में. अगला जो दो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसने भी बहुत ज्यादा मुझे हेल्प किया है एक्ने कंट्रोल करने में. सो हेयर आई हैव सैनफे फेस सीरम शॉट्स विद मी. एक जो है वो एक्ने को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और दूसरा वाला जो है ना वो ग्लो प्रोवाइड करता है. तो मैं पहले बात कर लेती हूँ एक्ने कंट्रोल करने के लिए. सो हेयर आई हैव 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम विद मी. एज यू गाइस ऑलरेडी नो कि सैलिसिलिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है ब्लैक हेड्स के लिए और एक्ने को कंट्रोल करने के लिए. और ये बहुत ज्यादा हेल्प किया है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ यहाँ पे यू कैन सी एक्ने हुआ हुआ था, यहाँ पे पिंपल हुआ हुआ था एंड मैंने इसको जस्ट ट्वाइस और थ्राइस यूज किया हुआ है और इसने बहुत बहुत ज्यादा हेल्प किया है मुझे मेरे एक्ने को रिड्यूस करने में. दिस इज हाउ द इनमोस्ट पैकेजिंग लुक्स लाइक. ये जो है एक ग्लास की बॉटल में आता है, इट इज अ ड्रॉपो बॉटल और ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है गाइस. थोड़ा रनी प्रोडक्ट है, जब आप इसको अप्लाई करोगे अपने फेस पे गाइस ये बहुत ही इजिली जो है अब्सॉर्ब हो जाता है फेस पे, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं फील होता है. विद इन 2 to 3 seconds जो है ये आपके फेस पे अब्सॉर्ब हो जाता है एंड बिल्कुल भी स्टिकी और ग्रीजी नहीं फील होता है आपको फेस पे. यू कैन अप्लाई दिस ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग में एंड नाइट में आप इसको अप्लाई करो. यू विल डेफिनेटली सी रिडक्शन इन योर एक्ने एंड पिंपल्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज वाइटामिन सी प्लस AG1% सीरम. सो एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि वाइटामिन सी जो होता है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए. ये आपको एकदम रेडियंट ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है. ये ना एक डार्क येलो कलर का प्रोडक्ट है और यू जस्ट हैव टू टेक 2 to 3 drops ऑफ दिस प्रोडक्ट. और ये भी थोड़ा सा रनी प्रोडक्ट है, जब आप इसको अप्लाई करोगे बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं फील होगा. ये भी 1 to 2 seconds में आपके फेस पे अब्सॉर्ब हो जाएगा. यू कैन यूज दिस ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग में भी यूज कर सकते हो, नाइट में भी यूज कर सकते हो. जस्ट द थिंग इज ये दोनों प्रोडक्ट जो है इसके एप्लीकेशन के बाद ना आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज अ मॉइस्चराइजर. सो दिस इज सैनफे फेस लैश क्रीम विच रेगुलेट्स एक्सेस ऑयल एंड प्रिवेंट्स एक्ने. सो इट हैज गॉट शिया बटर और एलोवेरा जो कि बहुत अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है एंड ये आपके आपको मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ गाइस ये आपके एक्ने को भी कंट्रोल करेगा, आपके पिंपल्स पे भी वर्क करेगा. ये व्हाइट कलर की क्रीम है, बता दूं कि गाइस मेरी भी ऑयली स्किन है और ये बिल्कुल भी ग्रीजी और स्टिकी नहीं फील होता है, बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगा आपके फेस पे. दीज वर ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम सैनफे गाइस. आई एम श्योर कि अगर आप इसको यूज करोगे ना यू पीपल विल डेफिनेटली लव दिस प्रोडक्ट. इन सारे प्रोडक्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट यू कैन गो अहेड एंड शॉप दैट प्रोडक्ट. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, तो जिन्हें बहुत ज्यादा एक्ने या फिर पिंपल्स होते हैं वो रिलेट करेंगे मेरी बात से कि आपको बॉडी एक्ने या फिर बैकने भी हो जाता होगा. वो इसलिए कि आप स्वेटी कपड़े पहन करके रहते हो या फिर आप गीले कपड़े डाल लेते हो तो उसके वजह से भी ना गाइस बॉडी एक्ने या फिर बैकने हो जाते हैं. तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो फिर आप अपने कपड़ों को फ्रीक्वेंटली चेंज कर लिया करो सो दैट आपको बहुत ज्यादा स्वेटी वाली टी शर्ट जो है आप बहुत लंबे टाइम तक ना पहने रहो. उसकी वजह से आपके पोर्स जो होते हैं आपके
बॉडी के वो क्लोज हो जाते हैं और क्लॉग हो जाते हैं, जिसके वजह से आपको बैकने वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर गाइस आप अगर शावर लेकर के निकल रहे हो तो अपनी बॉडी को अच्छे से ना सुखाने के बाद ही कपड़े पहनो, सो दैट आपके कपड़े जो है ना वो गीले ना हो और बहुत देर तक गीले रहने की वजह से आपको बैकने की प्रॉब्लम भी ना आए। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप कॉटन के कपड़े पहनो, आप ढीले ढीले से कपड़े पहनो, सो दैट आपकी स्किन जो है ना वो ब्रीथ कर पाए। और अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो कॉटन कपड़े जो होते हैं वो इजिली जो है ना वो सूख जाते हैं। अगर आप कुछ और पॉलिस्टर वगैरह वाले मटेरियल पहनोगे तो उससे आपको स्वेटिंग भी ज्यादा होगी और जल्दी आपका कपड़ा जो है ना वो सूखता भी नहीं है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि लड़कियां जो हैं अगर आप मेकअप अप्लाई करते हो और आप उसको अच्छे से रिमूव नहीं करते हो या फिर बिना रिमूव करे सो जाते हो, तो प्लीज गाइस प्रॉपरली अपने फेस को क्लेंस करो, अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करो और उसके बाद ही सो। अगर आप ऐसे ही अपने फेस को छोड़ देते हो, क्लीन नहीं करते हो मेकअप, या फिर बस ऐसे रफली क्लीन कर लिया, अच्छे से अभी स्किन जो है वो क्लेंस नहीं हुई है, तो उसके वजह से भी एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि डबल क्लेंस करो, एक बार किसी बाम से या फिर माइसेलर वाटर से क्लीन कर लो और फिर उसके बाद फेस वॉश करो और अपना जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो आप यूज करो। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, विच इज कि समर सीजन में ना गाइस बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग होते हैं, उसमें भर भर के पानी होता है। तो आप ऐसे फ्रूट्स को जैसे वाटरमेलन हो गया, जैसे मेलन हो गया, जैसे कुकुम्बर हो गया, इसको ना आप अच्छे से खाओ सो दैट आपके पेट को भी ठंडक मिले और यू कैन यूज दिस फ्रूट्स ऑन योर फेस टू। इससे आपका फेस जो है ना प्रॉपर हाइड्रेशन मिलेगा, ठंडक मिलेगी। या फिर अगर आप नहीं यूज करना चाहते हो फ्रूट्स वगैरह को अपने फेस पे, तो आप क्या कर सकते हो, आप आइसिंग कर सकते हो अपने फेस पे। आइसिंग करने से आपके पोर्स जो है वो भी क्लोज होते हैं, एक्ने वगैरह पिंपल्स वगैरह है तो वो भी ना बहुत ईजिली रिड्यूस होने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं। आई हैव गाइज एक्सपीरियंस दिस, जब आप रेगुलरली यूज करोगे ना आपकी स्किन जो है ना बहुत ही ज्यादा रेडियंट भी हो जाती है। एंड ऑल्सो यू कैन यूज मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी जो है ना सन बर्न और सन टैन में भी हेल्प करेगी और आपके ओपन पोर्स को भी क्लोज करेगी, प्लस आपके एक्ने और पिंपल्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। सो ट्राई दिस प्रोडक्ट गाइस, सो दिस वॉज ऑल द पॉइंट दैट आई वॉन्टेड टू मेंशन इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आप जनरली वीडियो देख लेते हो, कमेंट भी करते हो बट लाइक करना भूल जाते हो, सो प्लीज डू एंश्योर कि आप लाइक करते हो। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब। एज यू कैन सी इतनी गर्मी में वीडियो बना रही हूँ, स्वेटिंग स्वेटिंग हो रखी है, तो इस मेहनत का फल भी दो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, टिल देन गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। बाय, लव यू।